सुप्रभात बच्चों एवं अभिभावक गण, हिंदी शब्दावली कक्षा दो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सेकेंड टर्म फर्स्ट यूनिट 50 मार्क्स के लिए हिंदी शब्दावली का दोहराव कराने जा रही हूँ। जिस प्रकार परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं, उसी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी। बच्चों, यह आपकी वर्तनी सूची है जो आपके विद्यालय के वेबसाइट पर डाल दी गई है। अब आपको इस सूची से हर दिन कम से कम 10 शब्द आपको लिखकर उच्चारण करते हुए याद करना है। वर्तनी में 20 शब्द आते हैं। श्रुति लेख, पठित या अपठित आते हैं। पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ, जो आपने अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ा है, और अपठित का अर्थ होता है जिसको आपने नहीं पढ़ा है। अब हम लोग वर्तनी पर आएंगे। परीक्षा के समय वर्तनी लिखते समय जब शिक्षिका पहली बार शब्द को बोलेंगी तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, और दूसरी बार शिक्षिका शब्द बोलेंगी तो आप लोग उस शब्द को लिखेंगे, और तीसरी बार में शिक्षिका के द्वारा बोले गए शब्द को आप लोग मिलाएंगे कि आप लोगों ने सही लिखा है कि नहीं। बच्चों, आप लोग अब श्वेत पट पर ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वर्तनी। बच्चों, पहली बार मैं शब्द को बोलूंगी तो आप लोग उस शब्द को सुनेंगे, दूसरी बार मैं फिर उस शब्द को बोलूंगी तो आप लोग उसको लिखेंगे, और तीसरी बार में उस शब्द को बोलूंगी तो आप उसको मिलाएंगे। इसी तरह सारे शब्दों को सुनते हुए लिखेंगे और मिलाएंगे। नंबर एक, समझदारी। समझदारी लिखेंगे। समझदारी मिलाएंगे। नंबर दो, परिचय। परिचय परिचय। नंबर तीन, परेशान। परेशान परेशान। नंबर चार, बिजली। बिजली लिखेंगे। बिजली मिलाएंगे। नंबर पांच, मणिपुर। मणिपुर मणिपुर। नंबर छह, कस्बे। कस्बे कस्बे। नंबर सात, समारोह। समारोह समारोह। नंबर आठ, आनंद।
आनंद। आनंद नंबर 9 कोशिश। कोशिश लिखेंगे कोशिश मिलाएंगे। नंबर 10 एहसास। एहसास लिखेंगे एहसास मिलाएंगे। अब श्रुति लेख देखेंगे। पठित, श्रुति लेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना। श्रुति यानी सुनना, लेख यानी लिखना। यह पठित है जो आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अब मैं पढ़कर बता रही हूँ, शिक्षिका बोलेंगी और आप लोग सुनकर लिखेंगे। दूरदर्शन एक अच्छा यंत्र है, पुण्यविराम। इसके ज्यादा प्रयोग से आंखों पर प्रभाव पड़ता है तथा छात्रों की पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता है, पुण्यविराम। इसका उचित प्रयोग करके इसे लाभकारी बनाए रखना चाहिए, पुण्यविराम। आगे देखेंगे श्रुति लेख अपठित। ये वाक्य आपके पाठ्य पुस्तक से बाहर का है। अब मैं पढ़कर बताऊंगी। सिपाही जनता का सेवक होता है, वह खाकी वर्दी पहनता है, पुण्यविराम। उसके हाथ में एक डंडा या बंदूक होती है, पुण्यविराम। बच्चों इसी तरीके से प्रश्न आते हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, यही सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे, जहां आपको ऑप्शंस दिया रहेगा और सही उत्तर को आपको उसमें से सेलेक्ट करना रहेगा। आप लोग वर्तनी सूची से उच्चारण के साथ वर्तनी लिख लिख कर सीखेंगे। धन्यवाद।